सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रेल रोड जिंदगी। इस वीडियो में हम यूरोप ट्रिप पार्ट टू देखने वाले हैं एंड इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू सी वेनिस सिटी टूर एंड ट्रेन राइड टू लुसर्न स्विट्जरलैंड। अगर आपको सिर्फ ट्रेन राइड देखना है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं 11:43 मिनट्स पे ट्रेन जर्नी देखने के लिए अगर आप रेल फैन हैं तो, और अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप इस पे बने रहें। एंड अभी शुरू करते हैं वेनिस सिटी टूर। तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वेनिस स्टेशन से आपको देखने मिलेगा ब्यूटीफुल व्यू एंड ये है हमारे रूम का व्यू। डे 4th है ये हमारे हनीमून ट्रिप का। आप देख सकते हैं मेरी वाइफ काफ़ी खुश है एंड ये रूम काफ़ी एलिगेंट था ग्रीन कलर के डेकोरेशंस के साथ। काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क था रूम के वॉल्स पे। यहाँ का बाथरूम और नो जेट स्प्रे इन यूरोप, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर आप इंडिया से हैं तो। अगर आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हैं तो आपको वहाँ के वॉशरूम्स में जेट स्प्रे देखने को नहीं मिलेगा और आप जानते ही हैं उससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस देखते रहें। हमने काफ़ी कुछ प्लान करके रखा हुआ है तो अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तो आप भी हमारी जर्नी के साथ हाथ हमारे साथ ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। और जैसा कि मैंने अपने पार्ट वन में बताया था कि वेनिस इज़ नोन फॉर यू नो एज अ सिटी ऑफ वाटर सिटी ऑफ ब्रिजेस, तो आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। एंटायर सिटी के बीच में वाटर कैनल्स हैं, हर जगह पे आपको ये ऐसे देखने को मिलेगा। ये सामने है वेनिस रेलवे स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत। ये अराउंड 7-8 बजे का टाइम है, हम ऐसे ही निकले थे एक वॉक पे चेक इन करने के बाद थोड़ा इधर उधर के एरिया देखने के लिए। एक चीज़ जो मुझे यूरोप ट्रिप में बहुत ही पसंद आई वो है वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली ट्रेन्स और ये इलेक्ट्रिक बसेस। बहुत ही खूबसूरत रहती हैं ये बस वहाँ पे। आपको ये सब चीज़ें जल्दी इंडिया में देखने नहीं मिलेंगी, तो एज अ इंडियन टूरिस्ट मुझे तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है। ये डे 5 और हम इस वक्त सेंट मार्को बेसिलिका में गए हैं इसे देखने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ द सिटी चर्चेस एंड इट इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इटालियो बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर, और इसे बनाया गया था इन द लेटर पार्ट ऑफ 11th सेंचुरी में। बहुत ही पीसफुल जगह है और वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स है। ये डॉजेस पैलेस, दिस वॉज बिल्ड इन इटालियन गॉथिक स्टाइल इन 1340। दिस इज़ बेसिकली रेसिडेंस ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ फॉर्मर रिपब्लिक। इसे 1923 में म्यूज़ियम डिक्लेयर कर दिया गया था और आपको यहाँ पे वेरियस पेंटिंग्स देखने मिलेगी जो कि जीसस क्राइस्ट के लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। ये देखने के बाद हम बोट राइड पे गए। वेनिस के आसपास काफ़ी छोटे मोटे आइलैंड्स हैं तो ये बोट राइड के ज़रिए हम उसे उन्हीं आइलैंड्स पे विज़िट करने जा रहे हैं। ये अनाउंसमेंट हमें रत्ती भर भी नहीं समझा। और जिस आइलैंड पे हम जा रहे हैं वो है टॉर्सेलो मुरानो एंड पुरानो। इस वीडियो में मुरानो और
मुरानो को मैंने कैप्चर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आपको टॉर्सेलो और बुरानो की थोड़ी बहुत झलक देखने को मिलेगी, तो एंजॉय करिए ये सारे सीन्स को। ये हमारा पहला स्टॉप टॉर्सेलो, इसे पैरेंट आइलैंड कहा जाता है वेनिस का, क्योंकि वेनिस की मेन पॉपुलेशन यहीं से आई थी। एंड इट वाज अ टाउन विद चर्च एक्टिविटीज बिफोर सेंट मार्को चर्च। सो सेंट मार्को चर्च बनने से पहले इसे ही मेन हब माना जाता था और सारी चर्च एक्टिविटीज़ लोग यहीं पे करते थे। ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल जगह थी। वेनिस एंटायरली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और ये है बुरानो, बुरानो टॉर्सेलो के पास ही एक छोटा आइलैंड है, एंड दिस इज़ मेनली फेमस फॉर इट्स लेस वर्क एंड कलर्ड हाउसेस। आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्ड हाउसेस आपको वहाँ देखने मिलेंगे। एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर होटल रूम। बेस्ट पार्ट है कि आपको कहीं पर भी जाना है तो आपको बोट राइड, बोट टैक्सी, टैक्सी बसेस वहाँ की रहती हैं, वो सब यूज़ करना होगा, और ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। आई होप आप भी इसे इन्जॉय कर रहे होंगे। डे 6 हम निकल चुके हैं अपने रूम से, और 15-20 मिनट्स वॉक करके हमें गंडोला राइड लेना था। हमारे रूम से ये 15-20 मिनट्स की दूरी पे था जहाँ से हमें ये लेना था। काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस था गंडोला राइड का। गंडोला राइड बेसिकली एक ट्रेडिशनल फ्लैट बॉटम रोइंग बोट्स है, जो जिसका प्राइमरी यूज़ आजकल टूरिस्ट को ऐसे टूर देने के लिए होता है। काफ़ी सूदिंग एक्सपीरियंस है ये। पर पर्सन अराउंड 80 यूरोज इसका चार्ज लगता है आपको, और ये 20-25 मिनट्स की राइड रहती है। दिस इज़ अ वेरी नाइस वे ऑफ एक्सप्लोरिंग द सिटी, बिकॉज वेनिस को एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका बोट राइड ही है। सो गंडोला इज़ वेरी गुड ऑप्शन। एंजॉय द राइड।
सो गंडोला राइड ख़त्म होने के बाद हमें अपने होटल रूम वापस जाना था, और वहाँ से मैंने बताया था आपको 15-20 मिनट्स वॉक था, लेकिन हमारी ट्रेन का टाइम अराउंड 12:30 PM था इन दी आफ्टरनून। सो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था गंडोला राइड ख़त्म करके अपने रूम पे जाने का। सो हमने एक प्राइवेट बोट टैक्सी ली वहाँ से, जिसका कॉस्ट हमें अराउंड 60 यूरोस पड़ा, एंड दिस राइड वॉज हार्डली यू नो 5 मिनट्स, बट इट सेव्ड आवर 15-20 मिनट्स, क्योंकि हमें ट्रेन पकड़ना था और पूरे सामान को होटल से और स्टेशन पे लाना था, तो इसलिए हमें प्राइवेट बोट टैक्सी लेना पड़ा। दिस वॉज वेरी लग्जरी लग्जरियस एक्सपीरियंस, बहुत ही मस्त बोट थी, एकदम किंग साइज फील था इस पे राइड करने का। हम देख सकते हैं हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे इस राइड को लेकर, बट या दिस इज़ वेरी हैवी ऑन योर पॉकेट, 60 यूरोज फॉर 5 मिनट्स, आई एम नॉट श्योर हाउ मच वर्थ इट इज़ इफ यू डू दिस रेगुलरली, बट फॉर वन टाइम आई थिंक इट वॉज वर्थ इट। तो लेफ्ट में ही हमारा होटल रूम है, हमने फटाफट होटल में गए, सामान पैक किया और ट्रेन पकड़ी, एंड वेनिस से हम इस वक्त डिपार्चर ले रहे हैं, वहाँ की हाई स्पीड ट्रेन का मज़ा लेते हुए। एंड हमारा नेक्स्ट स्टॉप है स्विट्ज़रलैंड, हम यहाँ से स्विट्ज़रलैंड की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है अपने वीडियोस में, कि मेरी वाइफ ने इंश्योर किया कि हमारे मैक्सिमम ट्रेन जर्नीज हो, क्योंकि मुझे ट्रेन का बहुत शौक है। सो ये जर्नी अराउंड 3-4 आवर्स की होने वाली थी टोटल, यहाँ से मिलान, फिर मिलान से लुगानो रेलवे स्टेशन, एंड फिर वहाँ से लूसन। सो अगर आप रेल फैन हैं तो आपको ये ट्रेन जर्नी बहुत ही पसंद आने वाली है। ये ट्रेन की स्पीड अराउंड 200 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर पर आवर तक थी, विच इज़ वेरी गुड। सो एंजॉय करिए इस ट्रेन सीन्स को। काफ़ी ब्यूटीफुल रहता है वहाँ के स्टेशन, वहाँ के रेलवे ट्रैक, काफ़ी क्लीनलीनेस आपको देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, एक तो पहली बात वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, जिसके कारण चीज़ें कम गंदी होती हैं, वहाँ पे पोल्यूशन लेवल्स थोड़े कम हैं, तो आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी ज़्यादा दिखती है। ये देखिए वहाँ की इटालियो ट्रेन, एंड अब आप देख पा रहे होंगे कि थोड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं जर्नी में, दैट इंडिकेट्स कि हम स्विट्ज़रलैंड के करीब पहुँच रहे हैं। मेरा बस चलता तो मैं वहाँ की हर एक ट्रेन में राइड करना चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक इंटरनेशनल ट्रिप में हैं तो आपका शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है और आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते, बट हमने जितना भी देखा वो वर्थ इट था, काफ़ी लग्जरियस था। ट्रेन का इंटीरियर हमारी नई ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, न्यू राजधानी एक्सप्रेस में इंटीरियर आपको ऐसे ही देखने मिलेंगे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के।
और इस वक्त हम लुगानो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें ट्रेन चेंज करनी है लूसन जाने के लिए। स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसे 1974 में बनाया गया है एंड यहाँ पहुंच गए हैं, मतलब हम स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं। हम देख सकते हैं कि स्टेशन के आसपास का व्यू बहुत ही खूबसूरत है और ये ट्रेन इटालिया ट्रेन है, वहाँ की ट्रेन इटालिया इज़ द ऑपरेटर, ट्रेन ऑपरेटर। ट्रेन्स बहुत ही मस्त लगती हैं बाहर से, अंदर से, हर जगह से। अगर आप रेल फैन हैं और अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ, दूसरे रेल फैंस के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ऐसी ट्रेन और ऐसे जर्नी देखने को मिले। हर एक ट्रेन की अपनी खासियत है। एंड अभी हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, विच इज़ लूसन। आपने देखा होगा कि मेरी वाइफ जर्नी के दौरान सो चुकी थी, लेकिन मेरा ऐसा हाल नहीं था। मेरे को ट्रेन जर्नी काफ़ी पसंद है, तो आई वांटेड टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट एंड जितना हो सके आई ट्राइड टू कवर द जर्नी। एंड हम फाइनली लूसन पहुंच चुके हैं। अगर आपको एक वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। पार्ट 3 भी आने वाला है, उसमें मैं आपको स्विट्ज़रलैंड टूर देखने को मिलेगा और काफ़ी सारी एक्साइटिंग ट्रेन जर्नीज भी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।